नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुलाल कुमावत और आप देख रहे हैं कुबेर टेक्निकल गुरुजी। दोस्तों, आज मैं आपको एयरटेल का डीटीएच लगाना लाइव में दिखाने वाला हूं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी आप दबा लें ताकि नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक ज़रूर पहुँचे। तो आइए देखते हैं आगे की प्रक्रिया। दोस्तों, आज हमारे साथ में हैं, देखिए यहाँ पे टेक्निकल बंदे हैं रामपाल जी, और ये अभी अपन डीटीएच यहाँ पे लगाएंगे। तो सबसे पहले डीटीएच लगाने के लिए अपने को क्या क्या पार्ट्स की ज़रूरत होती है, डीटीएच के साथ में क्या क्या चीज़ें आती है इसको लगाने के लिए, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो अपने को ज़रूरत होती है वो है रिफ्लेक्टर, यानी कि जो अपना सेटेलाइट होता है उसकी सीधी किरणें इसके ऊपर आके पड़ती है, जिसे अपन एक छतरी भी बोलते हैं आम भाषा में। दूसरे नंबर पे ये देखिए यहाँ पे रोड फिटिंग की अपने को ज़रूरत पड़ेगी, आप देख पा रहे हैं। ये रोड फिटिंग है, ये देखिए मास्ट है, जो अपना यहाँ पे ये जो पाइप है इस पाइप को लगाने के लिए। देखिए पूरे पार्ट्स अलग अलग आते हैं जिनको अपने को सबसे पहले फिटिंग करना होता है। पार्ट्स की फिटिंग अपन यहाँ पे कर रहे हैं। ये रिफ्लेक्टर से देखिए अपन इसको जोड़ेंगे, इसके पीछे इसकी जो फिटिंग हो रही है। अब रोड के ऊपर एलएनडी क्लैंप अपन लगाएंगे और इसको नट बोल्ट से टाइट करेंगे और स्पेनर से इसको टाइट कर लेंगे। ये है देखिए एलएनडी कैमरा जो सैटेलाइट से तस्वीरें लेता है और अपने को दिखाता है। देखिए किस प्रकार से एलएनडी को यहाँ पे फिट कर रहे हैं अपन। एलएनडी को 30 डिग्री के कोण पे इसको फिट किया जाता है। ये देखिए इसका जो यहाँ पे जीरो है, इस जीरो को 30 डिग्री के साथ में अपन यहाँ पे सेट करते हैं, तभी इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो बढ़िया आती है। साथ में ये मास्ट को फुट पाउंड के साथ में और ये इसके जो स्टैंड है इनके साथ में देखिए इनको जोड़ेंगे, इनकी फिटिंग अभी करते हैं। एयरटेल डीटीएच कनेक्शन आप देख रहे हैं, ये इसका जो स्टैंड है वो लग गया है यहाँ पे। अब स्टैंड को दीवार के ऊपर अपन देखिए इस फिक्स करेंगे यहाँ पे। तो इसके लिए सबसे पहले इसकी मार्किंग करेंगे, ये निशान अपन ने इस पर बना लिए, 90 डिग्री के ऊपर ये होना चाहिए। ड्रिलिंग के द्वारा देखिए यहाँ पे छेद करेंगे अपन। सबसे पहले जो ड्रिल किया है उसमें गिट्टी लगाएंगे,
ताकि इसकी जो पकड़ है वो अच्छे से बने नट की। अब देखिए यहाँ से इसको ठोक देंगे। स्थिर करने के बाद में इसको यहाँ पे पानी से टाइट करेंगे। बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए, इसकी पकड़ ढीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो जब हवा का रुख होता है, हवा चलती है तो अपना जो ये छतरी है वो हिल सकता है और अपने डीटीएच की सेटिंग बिगड़ सकती है। अब अपना जो रिफ्लेक्टर है इसको, इसका जो ये स्टैंड है देखिए यहाँ पे इसको क्लेम करेंगे। आप देख रहे हैं कुबेर टेक्निकल गुरुजी, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। गाइस अब जो हमारा वायर जो आएगा रिफ्लेक्टर से, जो अपना डीटीएच का बॉक्स है, तो वायर को सबसे पहले अपन यहाँ पे लगाएंगे। देखिए अपने पास में यहाँ पे और कहीं पे जगह नहीं थी, तो इसलिए अपन ने क्या हुआ कि ये बाइक के अंदर यहाँ पे छेद किया हुआ था तो उसके अंदर से वायर को ले लिया है। कि अब यहाँ पे कनेक्टर अपन लगाएंगे, तो इसके लिए वायर को तो छीलना ही पड़ेगा अपने को। इस तार को एल्युमिनियम इन तारों को अलग अलग करना पड़ता है, इसको अलग करना पड़ता है। लगा दी जी कनेक्टर लग गया। ये दोनों ही सिरों पे कनेक्टर लगाना जरूरी होता है। ये है अपना डीटीएच का बॉक्स, देखिए इसके साथ में क्या है। डीटीएच बॉक्स, इसके साथ में रिमोट कंट्रोल और इसकी जो पिन है ऑडियो की पिन इसके साथ में आती है बॉक्स के में, तो इनको इसमें लगा लेंगे। कलर वाइज अटैच होगा। इन और आउट दो ये पोर्ट होते हैं, जिनमें देखिए इन वाला जो है इसके अंदर अपन इसको लगाएंगे। डीटीएच बॉक्स का पिन अपन ने स्विच में लगा दिया है और ये यहाँ पे अब देखिए इसमें अपना जो टीवी है उसमें देखिए ऑडियो वीडियो की पिन अपन लगा देंगे। अपन ने इसमें ऑडियो वीडियो की पिन लगा दी है, लेकिन अभी सिग्नल अपने पास में नहीं आ पा रहा है, तो इसके लिए अपना जो डीटीएच का रिफ्लेक्टर है वहाँ से इसकी सेटिंग की जाएगी। टीवी में अपने को चैनल देखने को मिले इसके लिए ये सेट टेलाइट फाइंडर, इसके द्वारा अपन इसमें दो पोर्ट आते हैं, इसमें देखिए एलएमबी और रिसीवर का, एलएमबी और रिसीवर दो पोर्ट इसमें आते हैं, एलएनडी और रिसीवर दो इसमें पोर्ट आते हैं। एलएमबी रिसीवर वाले में तो रिसीवर का लगा देंगे, ये एलएमबी रिसीवर का तो देखिए इसमें लगा दिया,
और एलएनबी का इश्यू हो रही है, आउट निकल रहा है। तो ये अपना जो डीटीएच का ये वायर इसमें लगा हुआ है, मीटर में अपने पास में लाइट दिखा रहा है। जैसे अपन एलएनबी के यहाँ पे हार लगाएंगे ना यहाँ पे, तो अपना जो ये मशीन है ये बंद होगा, तो इसका मतलब है कि अपना जो सेटिंग है वो सही है। यहाँ पे अपना सैटेलाइट से तरंग आना शुरू हो गया है, देखिए यहाँ पे, तो इसको फिक्स कर देंगे अपन, क्योंकि यहाँ पे फुल सैटेलाइट तरंग से आ रही है। टीवी स्क्रीन पे वीडियोस आने लगे हैं। अब जब अपना डिश फिट हो गया है, तो देखिए मीटर को हटा के अपन ने वायर डायरेक्ट इसमें लगा दिया है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को आप लाइक भी कर दें और इसे शेयर भी ज़रूर करें, साथ में अपनी जो बहुमूल्य एडवाइस है वो भी हमें ज़रूर दें। धन्यवाद।